नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निकिता राजपाल है। मैं एक साइकैट्रिस्ट हूँ। आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है। डिप्रेशन के लक्षण हैं मन उदास रहना, जिन चीज़ों में पहले मन लगता था उनमें मन कम लगना या बिल्कुल ही ना लगना, थका थका सा महसूस करना, निराश रहना, भूख व नींद में कमी या बदलाव आना, मरने के विचार आना। आमतौर पर हम सभी को उदासी हो जाती है, जैसे कि कभी परीक्षा में कम नंबर आए, घर के किसी मेंबर को कोई बीमारी हो जाए। हम इन उदासियों से कई बार दोस्तों से बात करके या घर के किसी मेंबर से बात करके या किसी मनोरंजक कार्य में ध्यान बटा के इस उदासी से बाहर निकल आते हैं और फिर अपने दिनचर्या या काम में व्यस्त हो जाते हैं। बट यही उदासी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार रहती है, परसिस्ट करती है, हमारे काम या दिनचर्या को अफेक्ट करती है, तो हम इसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। औरतों में मेन के मुकाबले ज़्यादा पाया गया है। कुछ मेजर लाइफ इवेंट्स या बुरी परिस्थितियाँ कई बार डिप्रेशन को ट्रिगर कर देती हैं। डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो नशा पदार्थ सेवन करने वाले लोगों में डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व जैसे कि अननकास्टिक पर्सनालिटी, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, इनमें भी डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। जिन लोगों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, उन लोगों में भी डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। पारस्परिक संबंधों की अगर हम बात करें, अच्छे घनिष्ठ गहरे पारस्परिक संबंध यानी कि क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से वंचित लोगों में भी डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इनमें भी डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, डिप्रेशन सीवियरिटी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड डिप्रेशन काउंसलिंग से ही ठीक हो जाता है। मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में काउंसलिंग और दवाइयाँ दोनों ही आवश्यक हैं। दवाइयों की अगर हम बात करें, हम एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं। इनसे इम्प्रूवमेंट 1 वीक के अंदर अंदर दिखना शुरू हो जाता है, बट पेशेंट को पूरा आराम आने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं। कुछ लोग जिनमें बहुत ही सीवियर डिप्रेशन हो, उनमें कई बार हमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप में आप डिप्रेशन के सिम्टम्स पहचान पा रहे हैं तो प्लीज़ नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करें। आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार किसी में भी आप डिप्रेशन के सिम्टम्स पहचान पा रहे हैं तो प्लीज़ उनको डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए एनकरेज करें।